भैया भिंडी का रेट कैसे है? 50 साठ चल रहा है। 50 साठ। लौकी का? लौकी 30-40। हम लोगों को दाम नहीं मिल रहा है। 5 रुपये ये कद्दू बेचते हैं, 5 रुपये से 10 रुपये भिंडी बेचते हैं। कितने रुपए में लौका मिलता है? 6 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया। 5-6 रुपये में बेच देते हैं। हाँ, दाम नहीं मिल पाता है? नहीं मिलता है। तो मार्केट में 40-50 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ मार्केट थोड़ी है, देहात है। देहात 5-6 रुपया में लेता है पैकार। बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है। लॉस ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हम लोग सब्जी का खेती ही छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, करने से क्या फायदा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के नवादा गांव में, जहां बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है। इस समय बाजार में सब्जी के दामों में आग लगी हुई है, जिसका असर लोगों पर पड़ रहा है। तो हम जानने आए हैं कि किसानों को क्या इसका लाभ मिल रहा है, किसान की खेती में क्या कितना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या क्या रुपये बिक रहा है, क्या असर है। बहुत किसान को इस बार सब्जी के खेती में बहुत नुकसान हुआ। एक तो वर्षा खत्म ज़्यादा होने से फसल गड़बड़ाया, दूसरा जो खाद का दाम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मजदूर का दाम बढ़ा हुआ है, हम लोगों को दाम नहीं मिल रहा है। 5 रुपये ये कद्दू बेचते हैं, 5 रुपये से 10 रुपये भिंडी बेचते हैं। बाजार में कितना रेट है इसका? बाजार में 40-50 रुपये है। 40-50? हाँ, यहाँ 10 से ज़्यादा कोई लेता नहीं है। लागत के अनुसार आपको पैसा निकल जाता है? नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है। लॉस ज़्यादा है? ऐसा हो रहा है कि हम लोग सब्जी का खेती ही छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, करने से क्या फायदा। जब पैसे नहीं बचेगा तो कहाँ से करेंगे, परिवार नहीं चलेगा तो कहाँ से करेंगे। सब्जी का खेती मतलब छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे। सोच लिए हैं? हाँ। क्यों, आखिर कारण क्या है? पैसा ज़्यादा लग रहा है लागत, और उस अनुपात में हमको पूंजी, वो मान ले जो लगा पूंजी वो भी रिटर्न हो, कुछ ना रिटर्निंग आएगा, पूंजी रिटर्न करके हमको कुछ मुनाफा होगा तब ना हम करेंगे। तो छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ देंगे, जो नौबत है जो छोड़ देंगे। एक प्रकृति प्रकोप, दूसरा सरकार ये लीलगाय का कोई उपाय नहीं कर रही है। अब लीलगाय को हम लोग मार भी नहीं सकते हैं, केस हो जाएगा, उसको करे क्या। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी किसान हैं जो खेती किए हुए हैं, और किसानों का साफ साफ कहना है उनको लागत नहीं मिल रही है, लागत के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है, और मार्केट में जबकि दाम ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्या कितने रुपए में लौका मिलता है? 6 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया। 5-6 रुपये में बेच देते हैं? हाँ। दाम नहीं मिल पाता है? नहीं मिलता है। तो मार्केट में 40-50 रुपये मिल रहा है? तो यहाँ मार्केट थोड़ी है, देहात है। देहात? 5-6 रुपये? हाँ, 5-6 रुपये में लेता है पैकार। हाँ, 5-6 रुपये में बिकता है। और भी हैं क्या? आप तो यहाँ किए हुए हैं लौका जी, कितने रुपए में? यहाँ से पेठियाँ ले जाते हैं तो 5-6 रुपये में बिकता है। दवाई सब के लिए पैसा नहीं निकल पाता है, तो कोई फ़ायदा हम लोग को नहीं है उससे। कोई फ़ायदा नहीं ना? मार्केट में तो 40-50 रुपये शहर में बिकता जी है। लेकिन यहाँ देहात में 5-6 रुपये तक लेता है, वही ले जाकर बिकता है। लागत कितनी लग जाती है? लग जाती है दवाई के लिए, पैसा नहीं निकल पाता है, तो पैसा नहीं निकल पाता है जो टाइम आमदनी। हाँ, वही 10,000-15,000 लगता है। लागत के अनुसार पैसा निकल जाता है क्या? नहीं निकल पाता। तो किसानों का साफ साफ कहना है लागत के अनुरूप पैसा नहीं निकल पाता है, जबकि बाजार में महंगाई बढ़ी हुई है और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। अब देखने वाली बात हुई कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचता है आखिर, क्योंकि किसानों को तो पहुंचता नहीं है, बीच में फ़ायदा कौन ले लेता है, ये बड़ी बात है। तो इस वक्त हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर के बड़े बाज़ार में, जहां पर हम जानेंगे सब्जियों का दाम कैसे है और कितने रुपए सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। भैया भिंडी का रेट कैसे है? 50 साठ चल रहा है। 50 साठ। लौकी का? लौकी 30-40। सब्जियों का दाम बढ़ा हुआ है इधर? हाँ, रेट बढ़ा हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। भाई बढ़ते घटते रहता है, कच्चा सामान है, आमदनी कम है इसलिए दाम बढ़ता है, आमदनी ज़्यादा रहता है तो घट जाता है। बिक्री पर भी असर पड़ रहा है? सब चीज़ पर है। घ्यूरा कैसे है? घ्यूरा 30-40। तो दाम बढ़ा हुआ है यहाँ पर। और भी कुछ किसानों से बातचीत, दुकानदारों से बातचीत करेंगे, सब्जियों का दाम जानेंगे। क्या भैया भिंडी कैसे है? भिंडी भाई 50-60 रुपये किलो है। 50-60 रुपये। लौकी आपको 30-40 है। और परवल? परवल है 50-40 है। दाम बढ़ रहा है? दाम तो धीरे पड़ा भाई, तो भरना ही है। और लौकी
दाम बढ़ रहा है, उससे असर भी पड़ रहा है बिक्री पर। बाजार उजार जब जैसे पड़ रहा है तो बाजार भी ढीला चल रहा है, धीरे धीरे ढीली चल रहा है। हाँ, उन्हें बिक्री बुरी कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि दाम कितना बढ़ा हुआ है। भिंडी 50 से 60 रुपए मिल रही है, वहीं लौकी जो है वो 40 रुपए मिल रही है, जबकि किसानों के खेत में मात्र लौकी का दाम 5 से 6 रुपये है, वहीं भिंडी का दाम मात्र 10 रुपये है किसानों के खेत में, लेकिन बाज़ार में इतना दाम ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके पीछे यह कारण क्या, बिचौलिए हैं, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।